पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन की वजह से आईटीओ पर लंबा जाम लगा हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर प्रदर्शन करने वाले पुलिस वालों के पास पहुंचे और उनसे अपील की कि वो जल्द से जल्द काम पर लौटें और साथ ही साथ उन्हें ड्यूटी पर जल्द से जल्द लौटना चाहिए। ये अपील की है दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कि कानून के रक्षक और रखवाले की तरह वो बर्ताव करें। ये परीक्षा की घड़ी है, अपेक्षा की घड़ी है, प्रतीक्षा की घड़ी है। तो ये जो टकराव है पुलिस वाले और वकीलों के बीच लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस प्रदर्शन पर पुलिस वालों का ये प्रदर्शन, तख्ती लेकर वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जो दोषी वकील हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अपील कि वो जल्द से जल्द काम पर लौटे। अभी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। वैसे दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतियां हम हमेशा देखते आए हैं, तरह तरह के सिचुएशंस को हम हैंडल करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको भी अभी तक हमने अच्छी तरह से देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है। हमारे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अफसरान थे उन्होंने ठीक से उसको संभाला था। सिचुएशन जैसे उस दिन था उसके हिसाब से अगर देखें तो काफी सुधर रहा है। तो ये स्थिति को हम परीक्षा की तरह माने और हम पे जो जिम्मेदारी दी गई है कि कानून को हम संभालें और कानून के रखवाले की तरह हम बर्ताव करें, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस स्थिति को सही तरीके से हम निपटाएंगे। परीक्षा के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारे लिए अपेक्षा की भी घड़ी है। सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से हमसे काफी उम्मीदें रखी जाती हैं, अपेक्षा रखी जाती है, क्योंकि हम कानून के रखवाले हैं और हमको डिसिप्लिन फोर्स की तरह बिहेव करके कानून को हम जैसे अभी तक अच्छी तरह से बनाए रखे हैं उसके हिसाब से हम आगे भी बढ़ाएं। जैसे कि मैंने कहा, परीक्षा की घड़ी है, अपेक्षा की भी घड़ी है और तीसरी भी एक बताना चाहूंगा कि ये हमारे लिए प्रतीक्षा की भी घड़ी है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपील करते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से कि वो संयम बरतें और वो काम पर वापस लौटें, क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था संभालने की है, कानून के रखवाले हैं और ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द काम पर लौटना चाहिए। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर जो पुलिस वाले हैं वहां से हटने के लिए तैयार नहीं और लगातार इंसाफ की मांग करते हुए ये पुलिस वाले, और ये संग्राम जो है ये दरअसल शनिवार को शुरू हुआ था, क्योंकि हमारे जितने भी साथी हैं उनको सस्पेंड किया गया, जिनको उनको बहाल करने की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, वो अभी तक सस्पेंड ही है। जिन्होंने अंदर कम से कम 150 यूटीपी थे उसके कार्जे के अंदर और 50 पुलिस कर्मी अंदर थे, उनको बताने के लिए जिसने हवाई फायर किया है उसी को सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब इतने आदमियों की जान बचाना कोई उसने गुनाह कर दिया क्या? और उन वकीलों को जिन्होंने तोड़ फोड़ की, गाड़ियों में आग लगाई गई है, जिसने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया है, उन्होंने हमारे ऊपर तक मारे गए हैं, हमें पीटा गया, रोड के ऊपर भी पीटा गया, हमें हमारी वर्दी फाड़ी गई है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट वकीलों को बताने के लिए हमारे जितने मुलजिम हैं सभी को सस्पेंड करने के लिए सबसे तत्पर तैयार है। ये कह रही है कि इनको सस्पेंड किया जाए, हमारे सीपी साहब ने तुरंत ऑर्डर कर दिए थे कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए तुरंत के तुरंत, और वो सभी सस्पेंड कर दिया गया, अभी तक बहाली का कोई वो नहीं आया उसमें। तो सर, कमिश्नर साहब ने जो आपको आश्वासन दिया है वो आप नहीं मान रहे हैं? अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया, जो भी दिया गया झूठा आश्वासन दिया गया, उसका हमें सबूत चाहिए कि उनको बहाल कर दिया गया और अभी बहाल तत्पर बाहर कर दिया जाए, तभी यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हम यहीं खड़े रहेंगे। और वकीलों को, जितने भी वकीलों ने
जितने सीसीटीवी में आए हैं जितने भी वकील, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके सबके लाइसेंस जितने भी हैं कैंसिल किए जाए, उनको जिन्होंने हमारी गाड़ियां जलाई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसको अधिकार दिया जाता है गाड़ियां जलाने का, पुलिस के साथ मारपीट करने का? इससे पहले कड़कडूमा को जलाने का अधिकार है किसको? इससे पहले कड़कडूमा कोर्ट में भी यही हाल हुआ था, पुलिस की पिटाई हुई थी मगर पुलिस को चुप करा दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ पुलिस को पिटने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो पुलिस वालों की मांग है, जो दोषी वकील हैं जिन्होंने मारपीट की और उनकी वर्दी फाड़ दी, जो पुलिस में की जीप में जो आग लगाई गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं उनको बहाल किया जाए। अपनी फैमिली की रक्षा नहीं कर सकते तो किसकी रक्षा कर सकते हैं? पुलिस हम सिर्फ सस्पेंड होने के लिए और फायरिंग खाने के लिए और पिटने के लिए बने हुए हैं बस, किसी की हम मदद और किसकी क्या मदद करेंगे जब अपनी नहीं नजर आ रही है? ऐसा है, आप बताइए, जब सरकार ही हमारा साथ नहीं दे पा रही है, जब कोई भी हमारा साथ नहीं दे पा रहा तो हम किसके पास जाएंगे? हम अपने मुख्यालय के बाहर खड़े हैं और बताओ कहाँ जाके खड़े होंगे, कौन हमें जिस चीज दिलाएगा? हर किसी के साथ में मानवाधिकार आयोग जो है हर किसी का साथ होता है। सर सर अरे भाई साहब तार हटा लो ना, अरे तार छोड़ो, तार हटा लो। क्या पुलिस वालों के मानवाधिकार नहीं होते, यह सवाल उठाते हुए वहां प्रदर्शनकारी पुलिस वाले वहां से हटने के लिए तैयार नहीं। हमारे सहयोगी प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ गए लेकिन उससे पहले इनकी बात सुनिए। लेकिन सर इतने त्रस्त आ चुके हैं, इतना हरासमेंट हो रहा है, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। लेकिन कमिश्नर साहब बाहर आए थे आपसे मिलने के लिए। सर देखिए इसमें कुछ प्राइवेट लोग हैं वो हाउ कर रहे हैं लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के सभी शांतिपूर्वक तरीके से बात कर रहे हैं और सारी चीज कर रहे हैं। सर पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो रहे, बच्चा मेरा 3 साल का है कहता है पापा आप पिट रहे हो, अब सर उसको बताओ उसकी मानसिकता बड़ा होकर क्या करेगा? बीसी कोई एरिए का क्राइम मिलने लो वो देख रहा है कि पुलिस पिट रही है, सर हम कैसे पिट रहे हैं, हमारे परिवार नहीं है क्या, हमारी रोजी रोटी नौकरी हमारे लिए ज्यादा वो हो गया, हमारा स्वाभिमान हो गया, हम अंदर से टूट चुके हैं सर। सर हमारे अफसरों तक को नहीं बस रहे ना हमें बख रहे हैं, सर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ दरवाजा खटखटाएंगे? सर आपसे हमारी यही गुजारिश है, हम पूरा लॉ एंड ऑर्डर का पालन कर रहे हैं, कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेशन का उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन सर आपके थ्रू यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज सर गिव द वॉइस ऑफ आवर सेंटीमेंट्स एंड इमोशंस। थैंक यू सर। सर अभी तक इसके अंदर क्या कहते हैं मीडिया के अंदर सिर्फ वो दिखाया गया, सब दिखाया गया समझ नहीं सर नहीं वही चीज सामने आई है कि क्या कहते हैं पुलिस ने फायरिंग करी, पुलिस को फायरिंग इसलिए करनी पड़ी कि क्या वो मुलजिम भाग जाते तो वो क्या हाल करते विक्टिमों का, क्या होता बाहर उनका, जिन जो लोग घर पे सेफ है कि हाँ वो कस्टडी में वो बंद है, अगर वो लोग स्लिप हो जाते तो क्या हाल हो रहा है दिल्ली के अंदर? आ गया जो झापे बाहर है वहाँ पे आओ, झापे बाहर है वहाँ पे आओ, पैसे उठाते रहो, हाँ पैसे उठाओ, पैसे बाहर रहो। तो पुलिस वाले आखिरकार कहां जाएं और पुलिस वालों को सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करनी पड़ी ये सफाई देते हुए, साथ ही साथ क्या पिटने के लिए हैं पुलिस वाले, सिर्फ सस्पेंड होने के लिए हैं, ये सवाल उठाते हुए प्रमोद इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद वहां पर पुलिस कमिश्नर पहुंचे और उनसे काम पर लौटने की अपील की है लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि जब तक दोषी वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो वहां से हटने वाले नहीं। जी प्रमोद मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी प्रमोद लगता है प्रमोद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दरअसल बहुत ज्यादा हंगामा बहुत ज्यादा शोरगुल वहां पर हो रहा है जैसे कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त पुलिस वाले और उनका कहना है कहां पर जाएं वो, हमें अपनी दिल्ली पुलिस के लिए जस्टिस चाहिए, अगर हम लोग ही सेफ नहीं है तो हम और लोगों को सेफ कैसे रख पाएंगे? अगर दिल्ली पुलिस रोज ही ऐसे पिटती रही और हम सब लोगों ने साथ नहीं दिया तो फिर हमारा साथ कौन देगा? कौन है हम लोगों की सुनने के लिए? कौन सी यूनियन है जो हमारी सुनेगी? कौन सा ऐसा कोई संघ है जो हमारी हेल्प करेगा आके? तो फाइनली आज हम लोगों को आना पड़ा है रोड पे अपने लिए, रक्षकों को अपनी रक्षा के लिए रोड पे आना पड़ा है आज। दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद आए थे आपसे बात करने के लिए लेकिन आप लोग, हम सेटिस्फाई नहीं है अभी उनका जो जवाब था उससे, हमें रियली जस्टिस चाहिए अपने भाइयों के लिए। चलो
तो रक्षकों को अपनी रक्षा के लिए उतरना पड़ा है सड़कों पर और इंसाफ के लिए आखिरकार वो किसका दरवाजा खटखटाएं। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात आपने सुनी जिन्होंने अपील की प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से कि वो काम पर लौटें, लेकिन आप देख रहे हैं जो पुलिस वाले हैं उनके इस अपील से, उनके इस जवाब से अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जो दोषी वकील हैं जिन्होंने पुलिस वालों को पीटा है, जिन्होंने आग लगा दी उनके वाहनों में, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती वो वहां से नहीं हटने वाले। इस वक्त हम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी सहयोगी निवृत्ति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। निवृत्ति, वहां पर क्या हालात इस वक्त? प्रदर्शन सुबह से ही चल रहा है मीमांसा, ये गेट के अंदर जो प्रमाइसेज है पटियाला हाउस कोर्ट का, वहां पर बहुत सारे वकील खड़े हैं, बड़ी संख्या में वकील मौजूद हैं जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं है इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे साथ ऑलरेडी सेक्रेटरी हैं न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, कितने लोग अंदर मौजूद हैं और किस लेवल का प्रदर्शन है? अभी अंदर करीब करीब 1000-1200 के आसपास लोग हैं। प्रदर्शन बिल्कुल पीसफुल है। हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जो लीगल एक्शन बनता है एयरिंग पुलिस वालों के खिलाफ वो होना चाहिए, तो इसलिए इसमें कोई आपके खिलाफ वकीलों के खिलाफ एक तरीके से जो दिल्ली पुलिस कर्मी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी अब आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले आप उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि वकीलों ने उनके साथ ज्यादती की। बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है, मुझे लग रहा है कि शायद एक ऐसी एस्पेक्ट है जो शायद अभी किसी ने उठाया नहीं होगा। वकीलों ने क्या जाती करी है ये बात तो इंक्वायरी में आ जाएगी, किसने क्या जाती करी है, लेकिन आज जो हुआ है उसकी एक बड़ी अच्छी चीज सामने निकल करके आई कि जो आज पुलिस वालों ने प्रदर्शन और धरना किया है उसके पीछे का रीजन क्या है। एक जुडिशियल ऑर्डर पास हो रहा है हाईकोर्ट से और जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट में पूरा, आप देख रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट में जो वकील हैं वो भी वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि पुलिस की ओर से दरअसल ये ज्यादती हुई, उनकी ओर से तो कोई ज्यादती हुई नहीं है। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, वहां पर भी हम देख रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपील कर रहे हैं पुलिस वालों से, लेकिन उनका कहना है कि कार्रवाई तो वकीलों के खिलाफ होनी चाहिए जो मारपीट कर रहे थे, और क्या ये सस्पेंशन जो है ये पुलिस वाले ही भुगतते रहेंगे? प्रमोद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और इस बीच हम कोशिश करते हैं एक तस्वीर उससे पहले हम दिखाते हैं जहां पर जो पुलिस वाले हैं वो नारा लगा रहे हैं। ये देखिए प्लेकार्ड्स लेकर किस तरह से लगातार ये विरोध प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और वहीं पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि ये परीक्षा की घड़ी है, अपेक्षा की घड़ी है, प्रतीक्षा की घड़ी है। तो हमारा अफसर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो, देखिए ये नारे वहां पर बुलंद होते हुए। और इस बीच हमारे साथ ऐश्वर्या भाटी सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या जी, आप पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं कि क्या मानवाधिकार सिर्फ वकीलों के हैं, क्या उनके कोई मानवाधिकार नहीं? मीमांसा जी, इम्पोर्टेंट बात यह है कि वकील और पुलिस दोनों ही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के बहुत इम्पोर्टेंट और अभिन्न अंग अंग हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से लॉगरहेड्स पे ये दो ही इम्पोर्टेंट लिम्स आ गए हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन राइट्स हर एक के हैं और वकील और पुलिस वाले तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हैं, वो उनकी जिम्मेवारी बाकी लोगों के भी ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के हैं। तो सब तरफ थोड़ी थोड़ी सी शांति बरतते हुए अब कोर्ट की कॉग्निजेंस में मैटर है। किसी भी साइड से कोई भी अगर कोई गलत हरकत हो रही है तो वो इंडिविजुअल से आइडेंटिफाई होनी चाहिए, वो पूरी क्लास और पूरी कम्युनिटी को एक कलर में कर देना ठीक नहीं है। और बिल्कुल सबको ही ध्यान रखते हुए और इस पूरे मामले को डिफ्यूज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, जैसा कि आप कह रही हैं ऐश्वर्या भाटी, कि जो कानून के रखवाले हैं वो ही धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि जो रूल बुक है वो ये कहती है कि
प्रदर्शन नहीं करना चाहिए पुलिस वालों को, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। उनका कहना है कि हम कब तक पिटते रहेंगे, हम कब तक सस्पेंड होते रहेंगे, क्योंकि हमें ही हम पर ही हमेशा निशाना साधा जाता है। ये कार्रवाई वकीलों के खिलाफ भी होनी चाहिए जो दोषी हैं। तो आपको लगता है कि संयम जो बरतने की जो कोशिश है वो दोनों ओर से होनी चाहिए, ये वन वे बिजनेस नहीं हो सकता? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये वन वे बिजनेस किसी भी हालत में नहीं हो सकता, चाहे कोई भी तरह के लोग हों। और यहाँ पे तो दोनों ही जो हैं वो रक्षक और संरक्षक हैं कानून के, तो उनको और भी ज़्यादा संयम बरतने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप दूसरों के राइट्स तभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब आप खुद संयम से आपका कंडक्ट और बिहेवियर उससे रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरा मामला तूल नहीं पकड़े और डिफ्यूज हो पूरी तरह से। और जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, जैसा कि मैंने कहा मीमांसा जी, हमें पुलिस वाले वर्सेस वकील नहीं कहने चाहिए। जिसने भी इंडिविजुअली गलत काम किया है वो आइडेंटिफाई होके उनके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए जी, बिल्कुल। और वो उस तरह के वीडियोस भी ऐश्वर्य भाटी लोगों ने देखे हैं, किस तरह से जो पुलिस वाले हैं वो अगर ड्यूटी पर हैं उनको भी किस तरह से घेरा गया, उन पर निशाना साधा गया, उनको टारगेट किया गया, लेकिन वहीं वकीलों ने भी पुलिस वालों के वाहन फूके हैं, साथ ही साथ फायरिंग भी हुई है। अब ये मामला जो है बहुत ज्यादा इस वक्त तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी भी पुलिस वालों का ये कहना कि वहां से वो हटेंगे नहीं। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो भी यहाँ पर खड़े होते हैं कि जिन पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है वो जब धरने पर हैं, तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? तो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इस मामले को जल्द से जल्द नियंत्रण में किया जाए। तो सेव द पुलिस, हमें न्याय चाहिए, हमें बराबर का इंसाफ चाहिए, हाउस द जोश, लो सर, ये तख्तियां लेकर इस वक्त दिल्ली पुलिस का प्रदर्शन आप इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर ये जबरदस्त भीड़ और इंसाफ की मांग करते हुए कि जो दोषी वकील हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है उन्हें बहाल किया जाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक वहां पर पहुंचे और उनकी ओर से ये अपील की गई कि वो तुरंत काम पर लौटें। और आपको बता दें कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं पुलिस वाले, उनके परिवार वाले भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, ये प्लेकार्ड्स लेकर, तख्तियां लेकर इंसाफ की मांग करते हुए। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की इन पुलिस वालों से अपील कि वो काम पर लौटें, कानून के रखवाले की तरह वो बर्ताव करें, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है, अपेक्षा की घड़ी है और परीक्षा की घड़ी है। लेकिन पुलिस वालों का भी ये विरोध प्रदर्शन जारी है और उधर वकीलों का भी विरोध प्रदर्शन जारी है, तो ये टकराव पुलिस और वकीलों के बीच।